वैसे तो एमिली छोटी मोटी गड़बड़ करती रहती है, पर जब हाथ में तलवार हो तो वह अलग ही बन जाती है। शायद माइक को उससे कुछ चीजें सीखनी चाहिए। ज्यादा तो नहीं लगी, मुझे देखने दो। मैं थैंक्स, मैं ठीक हूँ। अच्छा ये लो, जमे हुए मटर। ये एक आइस पैक जैसा है। बचपन में मुझे चोट लगती रहती थी और इससे मुझे आराम मिलता था। मैं इसे चलो इसे रखो माइक। सच में इससे तुम्हें अच्छा लगेगा माइक। एमिली तुम ठीक तो हो ना? सब फैल गए, मैं किसी काम की नहीं हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, तुम तो भला करने जा रही थी। अब मुझे माफ कर दो। नहीं, गलती तो मेरी थी, मैं बेवकूफ हूँ, हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ। I'm sorry, मैं साफ कर देती हूँ। फिर से नहीं। आ गया सबकी बेइज्जती करने में माहिर बंदा, तुम्हारा स्वागत है। स्वागत स्वागत की बात छोड़ो और मेरे आओ भगत की बात करो बच्चों। चलो भी नेगाट्रॉन, अपनों के साथ तो ठीक से बात करो, हम पर कोई असर होगा भी नहीं। तुम्हारी ये कड़वी बातें तो इंसानों को ही रुला सकती हैं। यही तो प्लान है, पर तुम कितने अब। तुम्हारा मुँह एक गटर जैसा है, हमेशा ही खुला हुआ। जाकर इंसानों की बेइज्जती करो और इस नदी का पानी बढ़ाओ। तुम ठीक हो? ओह नो, हमेशा गड़बड़ हो जाती है। मैं करती हूँ, गलती मेरी थी इसलिए। हर बात पर माफी मांगना जरूरी नहीं, सभी मिलजुल कर सफाई करेंगे। वैसे तुम तो बस मदद करना चाह रही थी। मैं सब बिगाड़ देती हूँ, काश कि मैं मियाँ जैसी होती। वो खूबसूरत है, ग्रेसफुल है, स्मार्ट है, खाना बना सकती है। हाँ वैसे खाना बनाने वाली बात मुझे नहीं जमी, पर जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो बात बिगड़ ही जाती है। दरअसल मैं कुछ सही नहीं कर सकती, मैं किसी काम की नहीं। मेरी मेरी बात मानो, अपने बारे में ऐसे बात करना अच्छा नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। हेलो मिस्टर कचरे वाले, उठाते हो कचरा और खाते भी हो कचरा। हे छुटकू पोस्टमैन, कभी तो चिट्ठी मत पर लाओ। तुम तो ऐसे पोस्टमैन हो जिसे देखकर अच्छी खबर भी पूरी बन जाएगी। अच्छा मेकअप है, बिल्कुल सर्कस के जोकर जैसा। अंकल बल्ब, क्या आपने वो देखा? हे वहाँ क्या हो रहा है? वैसे तो इसे अच्छे लग रहे हैं। वैसे आपके हिसाब से असली सामुराई इन कपड़ों के नीचे पैंट्स पहनते हैं या शॉर्ट्स? क्यों? मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पूछ लिया। मैं तो बस ऐसे ही सामुराई छछुंदर। तुम दोनों एक मजाक हो। तुमने नीचे कुछ तो पहना है ना? अब किसकी बुराई करने में लगी हुई हो? ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हें सिर्फ मुंह चलाना आता है। ओ महाशय, रास्ते से हटो और चश्मा लगवा लो। इतना नहीं आता है तो गाड़ी क्यों चलाते हो? लो, मैं तुम्हारी कार को पार्क करने की कीमत नहीं लूंगा। अब चल निकल, डरपोक कहेंगे। बचाओ! वाह समुराई रेंजर्स, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सारी गलत बातें सही बोल रहा हूँ। लोगों की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान रहा हूँ। 10 साल की उम्र तक तुम्हारी साइकिल में ट्रेनिंग व्हील्स लगे थे। ओह नो,
जरा इससे बचकर रहना, ये बड़ा चालाक है। अरे यार चालाकी कैसी, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। मेरा मानना है जो सच दर्द दे वही अच्छा। तुम बहुत बड़े झूठे हो, ये भी सच है। तुम्हारा एक राज है। लगता है अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी बातें मुझ पर असर नहीं करेंगी। जेडन कुछ नहीं छिपा रहा, तुम बस एक गंदे मॉन्स्टर हो जो सिर्फ बकवास कर रहा है। बकवास? अगर मेरी बातें सच नहीं होती तो वो मुझे इतना दर्द क्यों देती? अब तुम्हें इसका नमूना दिखाता हूँ। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। तुम सबसे बड़ी बेवकूफ हो। नामुमकिन। उस पर असर क्यों नहीं हो रहा? इससे बात जरूर बनेगी। सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये लो। मैं सबको जोड़ देता हूँ, तुम नहीं। बात क्या है? मैं कहीं और जाकर काम करता हूँ। तुम दबाकर भाग जाओ गंदे मॉन्स्टर। मुझे लगता है हमें जल्दी फिर से इसके दर्शन होंगे। वो नायलॉग एक गुंडे जैसा है। वो लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है, दिमागी दर्द पर काबू करके उसे शारीरिक दर्द में बदल देता है। हम उसके लिए तैयार नहीं थे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सुनो, मेरी साइकिल में ट्रेनिंग व्हील्स थे पर कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया। और मैं एक अच्छी कुक हूँ, है ना? हाँ हाँ। क्या मैं सच में बोरिंग हूँ? तुम बहुत ही डिसिप्लिन्ड और नियम पसंद हो केविन, एक सामुराई में यही गुण होने चाहिए। हाँ ये बात तो सच है। उसकी बातों का सिर्फ एमिली पर कोई असर नहीं हुआ। नायलॉग जानता था हमें किससे दर्द होगा, वो इसे दर्द क्यों नहीं दे पाया? शायद एमिली के पास कोई स्पेशल पावर है। ऐसी कोई बात नहीं है, बचपन में हमेशा मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मैं बहुत दुखी हो जाती थी पर मेरी बहन ने कहा कि मैं बस ऐसा सोचूं कि मजाक उड़ाने वाले ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं और ये तरकीब काम कर गई। इसलिए जब नायलॉग ने मुझसे वो बातें कही तो मैंने उन पर गौर ही नहीं किया। तुम हमेशा खुद को नीचा क्यों गिराती रहती हो? ये कोई बात नहीं हुई, या फिर शायद तुम अपने बारे में ऐसा ही सोचती हो? नहीं पर माइक, I'm sorry, मैं माइक, उस नायलॉग ने उसे दुखी नहीं किया पर तुमने कर दिया। मैं तो बस ये हमें याद दिलाता रहेगा कि वो मॉन्स्टर्स असल में कितने बुरे होते हैं। अंकल बल्क, क्या हम सच में सामुराई योद्धा बन सकते हैं? आज कितने डर गए थे हम। स्पाइक, एक सामुराई को खुद पर शक नहीं करना चाहिए, अब तो हमें और भी मेहनत से ट्रेनिंग करनी होगी। हाँ। कभी हार मत मानो। चलो उस मॉन्स्टर को ढूंढकर उसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। तुम में कोई दम नहीं। अगर एक और बार मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगे। शांत हो जाओ डायू, हम बस देख रहे थे कि नेगाट्रॉन में अब भी शक्ति है या नहीं। मुझे पता था मुझ में अब भी शक्ति है। मुझे पता है लोगों को किन बातों से दुख होगा, पर मैं उस येलो रेंजर को कुछ क्यों नहीं कर पाया। मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ, इस बार नहीं। बस बहुत हुआ, मैं तुम पर भी नाराज हो सकता हूँ, समझ गए? मेगाट्रॉन, सेंसु नदी के पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है, जाओ अपना काम जारी रखो। हाँ, जाओ अपनी कड़वी जबान से इंसानों के मन को छलनी छलनी कर दो। मैं अपनी बातों से हर किसी को दुखी करूँगा और उस बेकार येलो रेंजर को भी। या हे एमिली, सुनो, मैं वहाँ कुछ ज्यादा ही बोल गया, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम सही हो। जानते हो,
मैं हर वक्त बस रोया करती थी। मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, कुछ भी सही नहीं कर पाती थी। सब हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। एमिली, सरीना, क्या हुआ? सरीना के बांसुरी बजाते ही मेरे मन को सुकून मिलता था। उसकी धुन सुनते ही मैं फौरन अपना गम भूल जाती थी। सरीना, तुम ठीक तो हो ना? पर फिर वो बीमार हो गई। मेरा एक सामुराई रेंजर के नाते उसकी जगह लेने का वक्त आया तो वो रो रही थी। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें खतरों का सामना करना पड़ेगा। मुझे इस बारे में सोचकर ही डर लगता है। उस वक्त मैंने खुद से कहा, तुम नहीं रो सकती। मुझे अपनी बहन के खातिर मजबूत होना पड़ा। शायद मेरी बहन की जगह भरने की कोशिश ने मेरे डर को फिर से उजागर कर दिया है। अगर मैं अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकती तो दूसरों से क्या उम्मीद रखूं? मैं शर्मिंदा हूँ। एमिली, शर्मिंदा होना बंद करो। तुम्हें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। गलती तो मेरी थी। मैं जेडन से ताकतवर होने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम्हारे आगे हार जाता हूँ। तुम खुद को इनसिक्योर कहती रहती हो तो फिर मैं क्या हूँ? मैंने बेकार में ही तुमसे बुरी तरह बात की। नाइन लॉक अलर्ट। तुम अपनी सच्चाई से डरते नहीं हो, ये अच्छी बात है। और तुम धीरे धीरे हर बात भी सीख जाओगे। थैंक्स एमिली। कितना अच्छा मॉल था, हमें सब कितना सस्ते में मिल गया। कल हम जूते खरीदेंगे और उन पर भी काफी पैसे बचाएंगे। क्या पैसे बचाओगे? तुम पूरा मॉल भी खरीद लो ना, तब भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अब आएगी अक्ल ठिकाने। वहीं रुक जाओ। तुम्हें किसी ने बताया तुम कितने बुरे हो? हाँ, ऐसी तारीफ तो बहुत बार हो चुकी है मेरी। तुम सब का सच जानता हूँ और अब मैं तुम सबकी हालत बिगाड़ने वाला हूँ। तुम्हें कभी किसी सामुराई को कम नहीं समझना चाहिए। अब तुम्हारे पैतरे हम पर नहीं चलने वाले। हम समझ गए हैं, तुम जो भी बोलो हम उसके लिए तैयार हैं। मास्टर का चमचा। अरे वाह केविन, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये सही नहीं है। चलो अब इसकी बोलती बंद करते हैं। चले जाओ ना, समझो मुझे यहाँ सिर्फ काम है येलो रेंजर से। कौन मैं? मेरे सिपाही तुम्हें उलझाए रखेंगे। मारो ने फायर स्मैशर। जब सामुराई रेंजर से लड़ना हो तो पूरी तैयारी के साथ आना पड़ता है। अब दिखाता हूँ मेरा असली कमाल। तुम
मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आगे आ रहा है? कितने भी आ जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारी बारी बच्चू। ना समझ। अच्छा, रान दो। चोट पहुंचाने के हैं कई और तरीके, शब्द पड़ जाएंगे मेरे सामने फीके। अब चुप हो। तुम हमेशा मेरी बातों से बच नहीं सकती, मैं तुम्हें हराने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। लूजर। तुम्हारी बातें मुझ पर असर नहीं करेंगी। नादान लड़की, तुम कभी अपनी बहन जितनी अच्छी नहीं हो पाओगी। ओ पकड़ा। बात क्या है, तुम तो बचपन में कभी किसी ने प्यार से बात नहीं की। तुम कमजोर हो रहे हो। एक दिन नटर पीछे हट जा, वरना अपने मुंह से ऐसी बातें उगलूंगा कि तू खुद को आईने में देख नहीं पाएगा। पीछे हटो एमिली, मुझे इसे अपना कमाल दिखाना है। फॉरेस्ट पियर लीव स्टॉर्म। से मेरा मुंह बंद करने की तुम्हारी कोशिश काफी अच्छी थी। जल्दी अब। हाँ जरूर। Simple power, stone! अब तुम्हारा मुंह बंद किया जाए। ये ना बात। तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात सूझ नहीं रही, तो चलो काम खत्म करते हैं। जेडन, अब इसे मैं देखता हूँ। फायर स्मैश ऑन, यो, कैनन ब्लास्ट मोड। लॉक एंड लोड। फाइव डिस्क बीटल कैनन। नहीं, रुको। इस बार नहीं नाइलॉक, कैनन ब्लास्ट। Emily, तुमने कमाल कर दिया। थैंक्स, तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर पाती। आधे दिमाग वाले बेवकूफो, तुमने तो मुझे मेगा मॉन्स्टर बना दिया। एक फोल्डिंग ड्रॉन। मैं फोल्डिंग ड्रॉन। Dragon Fighting Sword! Dagger Fighting Sword! Lion Fighting Sword! Mega Gold Power! Zord is down! Samurai Megazord, kon ek hai. Teen aankhon wala Zapper Zoid. Alag hokar nahi acha hoga. Ab tumhari halat bigad do. Bahut achhe Emily, tumhara jawab nahi. Why, kya tum combo kick ke liye taiyar ho? Kyun nahi, chalo ho jaye. Go! Hey, mere samne se hat jao. तो मैं आ गई। रेडी जेडन? ये हमेशा रेडी होता है। इसे साथ ले जाना चाहिए। अब देखते हैं ये कैसे बचता है। बीटल जोन। मुझे परेशान मत करो। अब हम बजाएंगे उसका बैंड। लगता है कोई पहले से ही उसका बैंड बजा रहा है। कितनी गंदी हैट है, तुम में दिमाग नहीं है क्या? तुम बताओ तुम में कितना दिमाग है। अब किस्सा खत्म किया जाए। मैं तुमसे नहीं डरता, सड़े हुए टिन के डिब्बे। चला जा, दिखाता हूँ तुझे। चलो अब इस नाइलॉक की बोलती ही बंद कर दें। You're getting deep,
कही हुई बातों को तुम सबने सच तो नहीं मान लिया ना? StarTuneIndia.blogspot.in Samurai Rangers, जीत हमारी हुई। हमने कर दिखाया। हम। Oh no, Emily, तुम ठीक हो ना? Come on, Emily, उठ जाओ। हम जीत गए। उठो। उठ जाओ, Emily. Emily ने कहा था कि वो ठीक है, पर मुझे लगता है इस पर नायलॉग की बातों का असर हुआ है। इसने हमसे छुपाया। हर एक को किसी न किसी बात से चोट पहुंचती है। ये बहुत अच्छा लड़ी। इसने तो उस नायलॉग को नानी याद दिला दी। इसमें काफी दम है। इसकी बहन को इस पर नाज होगा। ये आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती। आइसक्रीम ट्रक्स मुझे बहुत पसंद है। गैप सेंसर से तो अच्छी आवाज है। क्या किसी ने कहा आइसक्रीम? तुम ठीक हो? हमें उस ट्रक तक पहुंचना है। चलो 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 जल्दी करो भाई, जल्दी चलो, जल्दी चलो 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 भाई।